वहीं अल्मोड़ा से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां राजा आनंद सिंह राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में शादी करके लौटी छात्रा के लिए स्कूल प्रबंधन ने दरवाजे बंद कर दिए। विद्यालय ने 11वीं की छात्रा को यह कहकर कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी कि उसके शादीशुदा होने से माहौल खराब हो सकता है। दरअसल अल्मोड़ा मुख्यालय में रहने वाली सिमरन राजा आनंद सिंह राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कक्षा 11वीं की छात्रा है। सिमरन कक्षा 8 से इस विद्यालय से पढ़ाई कर रही है। बीते 28 जुलाई को उनकी शादी हुई। सिमरन ने आरोप लगाया कि वह शादी के बाद स्कूल गई तो शिक्षिकाओं और प्रधानाचार्य ने उसे कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी क्योंकि वह शादीशुदा है, इसलिए उसे नियमित क्लास से बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है। वहीं इस पूरे मामले में स्कूल प्रभारी प्रधानाचार्य ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने बालिका को क्लास में बैठने के लिए मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि स्कूल में शादीशुदा लड़कियों को प्रवेश देने की बात को लेकर हम उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, जिसके बाद नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बात की और लड़की को स्कूल आने की अनुमति दे दी गई है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। कोई विवाद का मामला नहीं है। सिमरन हमारे वहाँ कक्षा 11वीं की छात्रा है, जिसके परिजनों ने हमें अवगत कराया कि 28 तारीख को उसका विवाह वो करने जा रहे हैं। तो इतनी सी बात हुई थी कि हमने कहा हमारे संज्ञान में नहीं है कि विवाहित छात्रा को हम विद्यालय में बिठाएं या न बिठाएं। हम उच्चाधिकारी से इसका संज्ञान लेंगे और उसके उपरांत हम बच्ची को जैसे वो पढ़ रही है वैसे ही पढ़ती रहेगी। तो ये मुद्दा इन लोगों ने बेवजह बना दिया। हमारी अपने उच्चाधिकारियों से बात हो चुकी है, उन्होंने कहा कि आप बच्ची को बना के रखिए। हमने उसका नाम निरस्त भी नहीं किया है, वो 24 जुलाई तक विद्यालय में उपस्थित है, उसके बाद वो अभी तक विद्यालय नहीं आई है। एक पत्र में जो 3 तारीख की विद्यालय में न आने देने, कक्षा में न बैठने देने का जो जिक्र है, वो मैं क्या कहते हैं, मैं आज तक वहाँ से पढ़ती भी आई हूँ स्कूल से, अभी तक 8th क्लास से अभी तक वहाँ से पढ़ती भी आई हूँ। फिर 28 जुलाई को मेरी शादी होने के कारण मैं अब 3 अगस्त को गई थी वहाँ पर। 3 अगस्त को जब स्कूल गई मैं, तो अब मुझसे बोल रहा है क्या कहते हैं कि आप रेगुलर नहीं आ पाओगी, प्राइवेट करो आप, और यहाँ के बच्चों का माहौल ख़राब होएगा, इसलिए मैं स्कूल रेगुलर जाना चाहती हूँ। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ पर वो लोग मुझे मना कर रहे हैं पढ़ने के लिए। जो ही नहीं है, आप पता करिए, पूछिए, वहाँ से लेके सीओ से लिख के लेटर लिख के लाइए। अगर वो कहेंगे कि वो परमिशन दे देते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए हम लड़की को हम रेगुलर नहीं बिठा सकते हैं स्कूल में, आप प्राइवेट करके बताइए। फरवरी में प्राइवेट होगा, आप फॉर्म भर लीजिए। मैंने ये भी कहा कि मैम सारा साल ख़राब हो जाएगा, मुझे नहीं कराना है प्राइवेट, मुझे रेगुलर ही पढ़ाना है बच्ची को। तो वो कहने लगे रेगुलर तो नहीं बैठाएंगे हम, आप दूसरे स्कूल में एडमिशन ले सकती हैं, इस स्कूल में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, रेगुलर नहीं बैठेगी।